सर्वाइविंग फाइटिंग कोई 20वीं एपिसोड पर जाके औरत की शुरू होती है. बिल्कुल. पहले वो मार खाती है, जलील होती है, बुरा उसका हाल होता है, रोती धोती है, और कहीं 20th एपिसोड. यहाँ तो सेकंड में अगर रेप हुआ है, 6th 7th में अगले एपिसोड में समीरा जो है उठ के खड़ी होगी और कह रही है मैंने FIR दर्ज करानी है. तो ये इतना रिबेलियस जो कैरेक्टर है, आपने कैसे इसके लिए प्रिपेयर किया? एंड हाउ डिड यू, मतलब पहले तो ये बताएं कि वाज इट डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट दिस रोल? आपने सोचा कि ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कोई रिजर्वेशन थी, या होल हार्टेडली आपने कहा नहीं नहीं ये मैं हूँ, मैं बिल्कुल मैं ये करना चाहती हूँ? क्या था आपका इसका? सवाल बहुत अच्छा आपका. हाँ. अच्छा, जब मुझे कैरेक्टर ऑफर हुआ था तो जब हमारे जो हेड ऑफ कंटेंट है सिक्स सिग्मा की सनम, उनका नाम है, उन्होंने मुझे ऑफर किया. उन्होंने कहा कि सना तुम्हें जिस तरह का काम पसंद है ना और जिस तरह के कैरेक्टर्स पसंद है, बस समझो ये वो है. और आज वो मीटिंग करते हैं, उन्हें मुझे नदीम ने बुलाया और हुमायूं ने भी मीटिंग करते हैं. बहुत अच्छा प्ले है, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है, और आके सुन लो. क्योंकि सनम मेहदी मुझे काफ़ी पहले से जानती है तो उनको पता है कि मुझे किस तरह का कॉन्टेंट पसंद है. और मैं थोड़ी सी ना अपसेट रहती हूँ कि इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं बनती जो मैं करना चाहती हूँ. तो खैर मैं गई, उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई, और मैंने जब स्टोरी सुनी मेरे एक तो रोंगटे खड़े हो रहे थे, ठीक है ना, क्योंकि वो है एक्चुअली गूज़बम्प्स टाइप बिल्कुल सीन्स हैं उसमें, और स्टोरी भी ऐसी है. तो मैंने कहा कि सनम ये मैं कैसे करूँगी. मैंने कहा इसमें इतना परफॉर्मेंस मार्जिन है कि एक एक एक्टर हंग्री होता है. एक एक्टर इस तरह के रोल के लिए तो मतलब वो कहता है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल. आई वाज सोल्ड, ठीक है. इट वाज एन अमेजिंग स्क्रिप्ट, अमेजिंग कैरेक्टर. पहले दिन से ही यू वर कन्विंस्ड कि मैंने ये करना है. करना है. हाँ. लेकिन घर आके मैं बहुत डर गई. मैंने कहा यार सनम, मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा जब ये सीन आया है ना तो मैंने यू स्क्रिप्ट उठा के साइड में रख दी है. जो आपने देखा सीन जब वो वापस आती है समीरा, और पढ़ने में इतना पेनफुल था वो. बिल्कुल. और मैंने कहा सबसे ज्यादा पेनफुल वो था कि जब पढ़ने में जब वो दिखाते हैं कि वो कहीं पड़ी हुई है किसी जगह पे, और जिस तरह का वो स्क्रीन प्ले लिखा हुआ था. और ऑब्वियसली यार कोई भी लड़की करते वक्त, मैंने मुझे करना था लेकिन मैं डर रही थी बहुत, यू नो, कि डर इस तरह से रही थी कि मेरे दिल में और मेरे जहन में बहुत पेन था उन लोगों के लिए जो अल्लाह ना करे किसी के साथ ये हो, लेकिन जो इस चीज से गुजर चुके हैं. बिल्कुल. और लोग गुजरते हैं, गुजरते हैं जी. और ये है, मतलब ये सच्चाई है हमारी सोसाइटी की, ये होता है. और अल्लाह मुझे माफ कर दे, हुआ अल्लाह ना करे किसी के साथ ऐसा हो. अल्लाह मियां हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन. मैंने हर हमेशा ये कैरेक्टर करते हुए रोज ये दुआएं की हैं. तो लेकिन फिर जब उसके बाद के मैंने सीन्स पढ़े, मैंने कहा ठीक है ये पेनफुल है, मुझे पता है मुझे करने में भी बहुत स्ट्रेस होगा, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्ले दिस कैरेक्टर एंड स्पेशली टू परफॉर्म ऑन दोस सीन्स. तो सीन की बात करते हैं. एक तो ये कि जब वो उसको लेके जा रहे होते हैं और वो उन्होंने इतना अच्छा पोर्ट्रे किया, एंड वी विल कम टू द डायरेक्शन एज वेल, इतना सेंसिटिवली वो पोर्ट्रे किया. लेकिन जब वो अगले दिन मिलती है जमीन पे गिरी हुई, और जब एक स्वीपर्स उसके ऊपर अपनी चादर डालती है, और जब वो दिखाते हैं कि वो सूरज से अपने आप को अपना मुंह छुपा रही है, और जमीन पे उसको चूंटे नजर आ रहे हैं, शी इज ऑन दैट लेवल, तो वो कितना मुश्किल था. मुंह पे मक्खी जो चल रही है, और हाँ मुंह पे मक्खी जो चल रही होती. एग्जैक्टली समीरा, वो कितना मुश्किल था वो सीन करना. वो तो वाकई बहुत मुश्किल था. वो था चंद सेकंड्स का मेरे ख्याल से, लेकिन मैं कोई एक डेढ़ घंटा उस जमीन पे मैं शॉट के लिए लेटी हुई थी. और वो करना भी मेंटली इतना डिस्टर्बिंग होता है, ड्रेनिंग होता है फिजिकली भी. बिल्कुल. एक स्ट्रेस और एक जो एक मैं बहुत अपसेट थी, और मैं बहुत डिप्रेशन में भी गई हूँ, और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में गई हूँ काफ़ी टाइम तक, कि वो नहीं जा रहा था. मतलब मुझे बहुत टाइम लगा है, मुझे 4-5 महीने लगे हैं, और तब तक मैंने कुछ साइन भी नहीं किया क्योंकि वो मुझसे नहीं हो रहा था. मैं उस मैं उसको अपने सिस्टम से नहीं निकाल पा रही थी. मैं रातों को डर जाती थी. मैं सो नहीं रही थी. मैं अपने भाई को और अम्मी को कहती थी आप उस वक्त तक बैठे रहें जब तक मैं सोऊंगी नहीं. तो आपने इतना अब्सॉर्ब किया, इतना ज़्यादा
अगेन आई वुड से हां मैं सबको ये बोलती हूं आई डिडंट जस्ट प्ले समीरा आई लिव्ड दैट कैरेक्टर. और कितनी देर की शूट थी ये पूरी? ये गई थी कोई 6-8 महीने तो गई थी. काफी लंबा. हां क्योंकि बीच में डेट्स नहीं हो रही थी किसी की और रमजान भी आ गए थे और काफी लोगों ने पहले से बोला था कि उनको जाना भी है वेकेशंस वगैरह पे तो उस वजह से. राइट बट हैट्स ऑफ टू रुबीनास डायरेक्शन. एब्सोल्युटली. और जो राइटर ने जिस तरह से लिखा है जी आई मीन हम लोग जो भी सीन्स करते थे ना आमना हमारा ये इट्स ऑल टीम वर्क. मुझे बहुत मजा आया ये सब करने में क्योंकि जो भी सीन होता था उससे पहले हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती थी. सारे एक्टर्स बैठे होते थे कमरे में, डायरेक्टर्स सबके पास स्क्रिप्ट होती थी, जो जो सीन में होता था हमारी एक कॉन्फ्रेंस होती थी. हमने सेम टू सेम वो नहीं किया जो लिखा हुआ था, लेकिन ये कि हमने अपने अपने इनपुट हम जरूर देते थे. आपको लगा ऐसा ना कि फीमेल डायरेक्टर होने से ड्रामे की सेंसिटिविटी पे या औरत की पोर्ट्रेयल पे कोई फर्क पड़ता है? इन दिस केस रुबीना अशरफ इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब. या और इज देयर अ डिफरेंस? बिल्कुल फर्क पड़ता है. आई थिंक मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा मेरा नहीं ख्याल आपसे अच्छा कोई इसको सेंस कर सकता था या समझ सकता था एक औरत का पेन. एक क्योंकि वो खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग और हेड स्ट्रॉन्ग है वो औरत और तो इस चीज को वही समझ सकती थी जिस तरह समीरा है. मैं और वो बहुत एक जैसे, हम लोग का ना बहुत मिलता है. एग्जैक्टली हम लोग जिस तरह के हैं तो उनकी और मेरी तो एक हम लोग एक ब्रेन स्टॉर्मिंग चल रही होती थी सेट पे क्योंकि सिंस द टॉपिक इज वेरी सेंसिटिव और इतना रिस्की है एक भी चीज इधर से उधर और आपका कंटेंट गया बिल्कुल बिकॉज दिस वाज एक्चुअली वेरी सेंसिटिव बिल्कुल और हमें उन सब लोगों का हमें ऑडियंस के जज्बात का भी ख्याल रखना था हमें इसकी सेंसिटिविटी बिल्कुल इसका ख्याल रखना था और बहुत सारी टीम वर्क और बहुत सारी ब्रेन स्टॉर्मिंग और बहुत सारे सबके इनपुट होते थे. रुबीना की बेस्ट बात ये कि वो एक्टर का सुनती थी इनपुट सबके सुनती हैं क्योंकि वो ये कहती थी मुझे ये था कि तुम क्योंकि समीरा को तुम जी रही हो ना तो मुझे तुम्हारा सुनना है और हैट्स ऑफ टू हर उन्होंने मुझे करने दिया जो मैं करना चाहती थी. तो सारा जिसमें क्रेडिट्स में मुख्तारा माई का नाम आता है रुसवाई के, क्या आपने मिला कि रेप विक्टिम्स को या सर्वाइवर्स को या इसकी रिसर्च की कोई कि क्या बिहेवियर होता है या यू वर जस्ट गोइंग विद योर इंस्टिंक्ट? मैं अपने इंस्टिंक्ट से ही जा रही थी. मुलाकात हमारी किसी से नहीं हुई. राइट और मे भी शायद कंटेंट में बातचीत हुई हो. राइट और लेकिन मैंने मिल के किसी से ये कैरेक्टर नहीं बनाया. इट वाज माय ओन इंस्टिंक्ट और अगेन मैंने समीरा को जिया है और आई थिंक जिस तरह का मुझे फीडबैक आ रहा है जितनी अप्रिसिएशन है मैंने नहीं देखा अपने किसी भी प्रोजेक्ट पे कि मुझे मतलब आमना पूरी दुनिया से मैसेजेस आना जिनको उर्दू नहीं भी समझ आ रही हो वो कुछ करके सबटाइटल्स वगैरह पता नहीं किस तरह करके वो देख रहे हैं मोरक्को से और फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. अच्छा स्टोरी को लेके मेरा एक सवाल है जो मेरे जहन में कन्फ्यूजन है. अब जाहिर बात है आपने पूरा ड्रामा कर लिया आपको उस पर बेहतर क्या पता होगा. जो वो अपने वालिद साहब को ब्लेम कर रही हैं कि आपने मेरा हाथ पे से ग्रिप आपने मुझे पेश किया उनके आगे और मेरी ग्रिप आपने हल्की कर दी और अपनी बहू की पकड़ ली, क्या उन्होंने वाकई ऐसा किया था या सिर्फ उसका आउटरेज है और फ्रस्ट्रेशन है जो वो बाप पे निकाल रही है? बाप मान भी जाता है कि हाँ मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन हम जब ये हो रहा था जब ले जा रहे थे तब हमने कोई ऐसे एज अ व्यूअर ऐसी चीज महसूस नहीं की कि कोई ऐसा वक्त आया हो कि बाप ने ग्रिप रिलीज की हो और बहू को पकड़ा हो, ये बाद में चीज हटती है. तो क्या did it actually happen that way? Yeah, ये हुआ था और आई थिंक वो एक शॉट में बहुत क्लियरली हमने उसको दिखाया भी, उसको ऑब्वियस भी किया है. एक हाथ का शॉट है मेरे और अब्बा के, जब वो हाथ मैं यूं उनको खींच रही हूँ और उन्होंने यूं हाथ छुड़वाया है. हाँ, अपना हाथ छोड़ा है मेरे हाथ से. मुझे तभी वो जो मेरी आंख ही नहीं खुलती डिसबिलीफ में. अब्बा वो हमने बहुत उस तरीके से उसको शूट किया था कि वो मेरे ख्याल से काफी लोगों को समझ में भी आया था. फिर बाद में अब्बा ने वो एडमिट भी किया.
और जहाँ तक फ्रस्ट्रेशन की बात है, ऑब्वियसली वो तो आउटरेज है, आउटरेज है जो उसके साथ हुआ है. बिल्कुल. आई मीन कैन आई से दिस? या या. इट वाज अ गैंग रेप. यस. ऑब्वियसली वो आउटरेज, फ्रस्ट्रेशन, वो उसका सब खत्म हो गया. खत्म हो जाता है वो लड़की, उसका सब खत्म हो गया है, उसके साथ जाती हुई है. टेस्ट के रिजल्ट्स आए हैं, वो पॉजिटिव हैं, इसका क्या मतलब होता है? उसने कहा मेरे टेस्ट के रिजल्ट, मैंने जो टेस्ट करवाए थे, मेरे टेस्ट बिल्कुल ठीक आए हैं. इसका क्या मतलब होता है? ऑब्वियसली इसका मतलब यही था कि जब रेप विक्टिम होता है, उसके बाद डॉक्टर ने भी, जो डॉक्टर दिखाई है, डॉक्टर मदीहा जो मेरी कोलीग है, वो कहती है 48 घंटे के अंदर अंदर हमें इसका टेस्ट करवाने जरूरी है. बिल्कुल. इसको हॉस्पिटल ले जाना जरूरी ये है. बहुत जरूरी मैसेज था देना. हाँ बिल्कुल. और हमने वो बिटवीन द लाइंस हमने ये करना था, बिकॉज यू नो इट्स टीवी, इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, और टीवी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं और उस तरह के इश्यूज होते हैं. तो इसलिए वो डॉक्टर ने वो बोला भी कि 48 घंटे के अंदर ये करना है. बिल्कुल. और आई थिंक वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर हैं कि वो टेस्ट क्यों हुए हैं.